बुलाएगा। जो तीन कैटेगरीज हैं इसके अंदर, ये बच्चों के लिए था 9 से लेकर 12 तक, उनके उनकी जो कैटेगरी के अंदर एक छोटी सी मिनी स्पीच दे सकते हैं, हैंडमेड पोस्टर दे सकते हैं, लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर दे सकते हैं, 300 वर्ड्स का ऐसे कर सकते हैं, मेमे मेकिंग भी कर सकते हैं, और वो आपने बनाना है अपने फ़ोन पे, उसको करना है, सेव करना है, उसके बाद उसको अपलोड कर देना है। ये सब कुछ वर्चुअल है, कोई भी कहीं भी गैदरिंग या पेपर वर्क की जरूरत नहीं है। दूसरी कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, वो शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, वो डिजिटल पोस्टर मेकिंग बना सकते हैं, पेंटिंग हैंड पोस्टर्स बना सकते हैं, मिनिमम 1 क्विक थ्रेड्स चला सकते हैं, मैंने या मेमे मेकिंग बना सकते हैं। और एक है थर्ड कैटेगरी है फॉर द सीनियर सिटीजन, यानी कि आप एक महिला हैं, आप एक प्रोफेसर है रिटायर्ड, आप कोई भी एजुकेशनिस्ट हैं, या आप एक कॉमन हाउसवाइफ हैं, या बिजनेसमैन हैं, ये उन सब के लिए, सिटीजन्स के लिए, वो अगर प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी अच्छी पॉलिसी लाए हैं तो उस पॉलिसी को आपको पढ़ना चाहिए, उस पॉलिसी के अंदर आपको भाग भी लेना चाहिए, और आप एक सीनियर सिटीजन बन के जो है आप इसके अंदर भाग ले सकते हैं। लेके जा रहे हैं और इसके ऊपर क्या भी पार्टी की तरफ से पूरे हमारे जो शिक्षा मंत्री एचआरडी मिस्त्री की तरफ से एक कंपटीशन रिसेंटली शुरू हुआ है, और उसके बारे में मैडम मैं गुजारिश करूंगा, इसके बारे में मैडम अभी आपसे दोबारा विस्तार में बात करेंगे। तो हमारा यही जो कहना है कि ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी बेसिकली भारत में एक पूरा परिवर्तन लाएगी, और जैसा कि कहा गया 2030 का एक टारगेट किया गया है कि 100% जो हमारी ग्रास इन्वॉल्वमेंट हो, कोई भी बच्चा कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रहे, यही इसमें मुझे सब कहना है। और आगे आने वाले दिनों में क्या कार्यक्रम है इसके ऊपर, एक कंपटीशन जो पूरे देश में चल रहा है उसके बारे में मैं आपसे अनुरोध करूंगा। हमारी जो सिस्टम लैंग्वेज में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज है, 10 स्पेशल प्राइजेस है, मनी वाइज है, और इसका बहुत सारा प्रावधान है, तो हर लैंग्वेज के अंदर जो है आपको जो है वो मिलेगा। हमारे बेसिकली जम्मू कश्मीर के अंदर हमने 2 लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी को प्रेफर किया है, तो उसके ऊपर आप मेमे बनाकर उसको चीज़ें करके आप दे सकते हो, पोर्टल पे आप जा सकते हो, आपके माध्यम से आप जितने भी मीडिया पर्सन हैं आप लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हो, बिकॉज दिस इज एन एजुकेशन पॉलिसी, इट इज़ फॉर ऑल, इट इज़ फॉर द कमिंग जनरेशन टू कम अप, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी विच हैज कम इन डेकेड्स आफ्टर सो मेनी डेकेड्स। तो दिस इज वन ऑफ जो हमारी हिस्ट्री को कहीं ना कहीं चेंज करेगी, जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करेगी, और जिस जो हम कहते हैं ना रट्टू बच्चा बना दिया है, एक भी रट्टाफिकेशन पे वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जो वो प्रैक्टिकली सीखेगा वो जो है वो जाकर जो है अपने फील्ड में उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल क्लासेस उसकी 6 से शुरू हो जाएगी।